आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सलूशन किस तरीके से आपको निकालना है। डाटा एंट्री हो या आपके एग्ज़ाम जितने भी इंटरव्यू होते हैं उसमें आपको इंटरव्यू को जवाब देने के लिए इंटरव्यू के लिए आपको फास्ट, ईजी और या इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और इस सलूशन का किस तरीके से आप निचोड़ निकालेंगे, यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब आप कैसे देंगे, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जितनी भी इंटरव्यू से संबंधित वीडियो है हम आपके सामने लेते आएंगे एक के साथ एक। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। ये रहा इंटरव्यू क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिएट ए वर्कशीट एम्प्लाई विथ ए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको एक वर्कशीट यानी एक्सेल की शीट तैयार करनी है, और उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस शीट को तैयार करने के लिए सबसे पहले इस शीट को हम कॉपी कर लेते हैं और शीट को लेके चलते हैं हम एक्सेल शीट में। तो हमने एक्सेल ओपन कर लिया है और यहाँ से हम पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर को हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं ताकि ये बॉर्डर हमें व्यवस्थित दिखाई दे। और एम्प्लॉई डिटेल है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे आ जाइएगा, यहाँ इंसर्ट करके इसे सेलेक्ट एंड मर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि यहाँ हम एक हेडिंग लिख पाए, एम्प्लॉई डिटेल या सैलरी डिटेल, कुछ इस तरीके का हमें डिटेल बनाना होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं, चलिए हम सैलरी डिटेल दे देते हैं और एक हेडिंग दे देना होगा ताकि इसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ हम दे देते हैं सैलरी डिटेल, यहाँ पे हमने सैलरी डिटेल्स किया। इसे सेलेक्ट करके हम ये टॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये सेंटर आ जाएगा और साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि लुक अच्छा आ जाए। आप चाहे तो यहाँ से इसके फॉन्ट को और थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे सेलेक्ट करके कलरफुल भी कर सकते हैं और थोड़ी सी और साइज हम यहाँ बढ़ा देते हैं। चलिए अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बाद में शीट को एक अच्छा लुक देंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा गया था कैंडिडेट से, देखिए दो क्वेश्चन और करके दिया, या तो आप इसे सॉल्व करिए या नीचे वाला भी, हम आपको ऊपर वाली शीट को सॉल्व करवा रहे हैं, नीचे वाली शीट भी हम आपको सॉल्व करना बता देंगे। पहले वाले में क्या है, इसका क्वेश्चन देखिए, पहले तो क्रिएट करना था, वो क्रिएट हमने कर लिया है कॉपी पेज की मदद से, हम जल्दी से काम चला लिए हैं। टू फाइंड, यहाँ फाइंड करना, ये देखिए पहले तो टेबल समझ लीजिए, नाम है, मोबाइल नंबर यानी फोन नंबर, और कौन किस फ्लोर पे कौन लोग रहते हैं, ऑफिस का यहाँ नंबर है 11 नंबर ऑफिस, 21 नंबर, 17 नंबर, और डिपार्टमेंट एडमिन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। चलिए यहाँ पे डिजाइन है किस तरीके में कौन कौन से काम करते हैं और उनके बाद उनकी सैलरी दे रखी है। तो यहाँ देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, तो लिखा है टू फाइंड फ्लोर, यानी फ्लोर को फाइंड करना है, विच थ्री इज नंबर पर्सन हुज नेम स्टार्ट ए, यानी जिनके नाम ए से शुरू होते हैं उनको आपको फाइंड करके लिखना है। तो इसका एक सबसे आसान तरीका, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बार बार हमें यहाँ पढ़ने के लिए ना आना पड़े, मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपनी शीट में ही पेस्ट कर दूंगा, बाद में इसे हम डिलीट कर लेंगे। अब ये देखिए आसान हो गया क्वेश्चन, अब यहीं पे हमने क्लियर करा रखा है, टू फाइंड इन विच थ्री इज नंबर ऑफ पर्सन हिज नेम स्टार्ट विथ ए, जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हो उनके हमें फाइंड करना है। तो चलिए एक आंसर भी देना है, नेम स्टार्ट विथ ए, मैं यहाँ कॉपी कर लिया और यहीं कहीं पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर देते हैं। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, दूसरे क्वेश्चन का यहाँ सोल्यूशन बकायदे हमने बी लिखा और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए किस तरीके से हमें फाइंड करना है उन तीन लोगों के नाम। तो पहले एक काम करिए, इस जो शीट हमने बनाया है शीट को सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, फिल्टर का ऑप्शन के लिए आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाइए और यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर लग जाएगा, या इसका एक शॉर्टकट तरीका, पहले तो मैं फिल्टर हटा देता हूँ और शॉर्टकट तरीका आपको सिखा दूं, कंट्रोल दबाइएगा, शिफ्ट दबाइएगा और एल दबाइएगा, देखिए यहाँ सीट पे फिल्टर आ गया है। अब स्टार्टिंग के यहाँ पे मांगा है कि उस पर्सन का हमें नाम दे दीजिए जिनके जिनके नाम ए से शुरू होता है, तो क्लिक करेंगे और शॉर्ट करा देंगे ए टू जेड,
अब देखिए नाम आ गया यहाँ पे, तो हम इस नाम को तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद बी वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। यानी बी वाले क्वेश्चन का जो आंसर है ये रहा, कौन कौन से लोग, ऐसे तीन लोग हैं जिनके नाम ए से शुरू होता है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करा दिया, इसको टॉप में रख लीजिए ताकि ये लगे कि बी नंबर जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन ए है, मतलब यहाँ पे है। ठीक, इसके बाद सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डू डिस्प्ले नेम एंड ऑफिस फॉर द पर्सन इन ऑफिस 11 एंड 14। यहाँ पे नाम आपको दिखाना है उस व्यक्ति का जिस जो ऑफिस नंबर 11 और 14 में रहता हो। तो चूंकि अगर हम शॉर्ट लिस्ट करें तो ये बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, स्मॉलर टू लार्जेस्ट कर देते हैं, और यहाँ देखिए ये निकल के सामने आ गया। तो पहले तो हम चूंकि टोटल कितने हैं, यानी 11 और 14 में दो लोग हैं, तो यहाँ दो सीट को पकड़ के यानी दो सेल को पकड़ के मर्ज कर लेते हैं और यहाँ क्वेश्चन नंबर सी दे देते हैं, यानी सी का सोल्यूशन हम यहाँ लिख देंगे। तो नाम है इनका नेहा, कंट्रोल सी करा, और यहाँ पे कंट्रोल सी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद एक और नाम यहाँ पे 14 का पूछा है, अनुरेश नाम है, तो कंट्रोल सी करा और कंट्रोल यहाँ वी कर देते हैं। ये रहा सोल्यूशन इसका। इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं डी नंबर पे। एक काम करते हैं, इसको पकड़ के या तो आप एक रो नीचे कर दीजिए ताकि ये देखने में इसका लुक अच्छा आ जाए, या अभी यहीं रहने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम डी की तरफ, एक नीचे। अब आगे से करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एक रो का स्पेस दे दे ताकि देखने में लुक अच्छा आए। डी कह रहा है कि यहाँ पे नाम चाहिए और फोन नंबर चाहिए किस पर्सन का, ऑन द फ्लोर बिटवीन 2 एंड 4, जो 2 और 4 फ्लोर के बीच में रहते हैं, ऐसे पर्सन का हमें यहाँ डिटेल चाहिए होगा। तो हम एक काम करते हैं, फ्लोर को लार्जेस्ट टू स्मॉलर कर लेते हैं, और 2 और 4, चूंकि 4 तो है ही नहीं, तो 2 और 3 वाले पर्सन को नाम और फोन नंबर दोनों हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे वाला देखिए 1 नंबर फ्लोर है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। हम यहाँ कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी करके यहाँ पेस्ट कर दिए। अब यहाँ आपको नाम भी मिल जाएगा और उधर फोन नंबर भी मिल। अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब हम आ जाते हैं ई नंबर, तो यहाँ ब्रैकेट में हमने दे दिया ई, और ई का सोल्यूशन अब यहाँ ढूंढते। देखिए यहाँ पे नेम एंड ऑफिस फॉर पर्सन ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट, यानी हमें उस व्यक्ति का नाम चाहिए जो एडमिन डिपार्टमेंट में है। तो डिपार्टमेंट वाले कॉलम को आइए A to Z करा दीजिए, एडमिन में दो लोग हैं, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सी करके यहीं पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये तरीका है, मतलब किस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ई वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल चुका है। ये सबसे खास बात बता दें कि ये फिल्टर वाला जब ऑप्शन आप लगा लेंगे तो सारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगला है टू एक्सट्रैक्ट नेम एंड फोन नंबर फॉर पर्सन हैविंग सैलरी मोर देन 8,000, यानी उसका डिटेल चाहिए होगा जिसकी सैलरी 8,000 से ज्यादा हो। तो सैलरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ लार्जेस्ट टू स्मॉलर कर देते हैं। तो 8,000 से ज्यादा, देखिए यहाँ 3 लोगों का, 8,000 तक पूछा होता, मोर देन पूछा यानी 8,000 से ज्यादा, तो ये 3 लोग आते हैं, तो ऐसे में उनके नाम चाहिए। और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं, नेम एंड फोन नंबर, तो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सी करके यानी क्वेश्चन नंबर F का आंसर यहाँ आ रहा है। तो F नंबर क्वेश्चन को यहाँ F यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर। एक बार मैं दोबारा कॉपी करनी होगी, तो सेलेक्ट करके हमने कॉपी बना ली और यहाँ पे एफ नंबर क्वेश्चन के आगे यहाँ पे इसका आंसर हमने टाइप कर दिया। तो ये सोल्यूशन था किस तरीके से इंटरव्यू को। देखिए अभी हमें समय कितना लगा आपको समझाते हुए भी, टोटल 8 मिनट का समय लगा। इंटरव्यू में लगभग आपको 15 से 20 मिनट का समय लगता है, यानी मिलता है आपको ये टोटल कवर करने के लिए। फिर से फिल्टर आप हटाना चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट एल कर लीजिए। जो सीट है, जो कि क्वेश्चन हमें यहाँ नहीं रखना है, तो क्वेश्चन को हम हटा लेते हैं, और जो सीट वगैरह हमने बना रखा है इसको थोड़ा सा लुक दे दीजिए, यानी बैकग्राउंड कलर वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से दे दीजिए। एक अच्छा कलर अगर आप मल्टी कलर में जाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में चलिएगा और यहाँ देखिए फिल का ऑप्शन है। इसके बाद फिल इफेक्ट पे आना होगा। फिल इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पे देखिए कई सारे मतलब कलर, मल्टी कलर हम ऐड कर सकते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा गाढ़ा कलर नहीं लगाते हैं। ओके करेंगे और ओके करेंगे। अब ये देखो सीट कुछ इस तरीके से आई है। कलर अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, लुक आप बदलना चाहते हैं,
तो क्लिक करिए, फिर से हम चलते हैं फॉर्मेट सेल की तरफ, कलर हमें दूसरा पसंद है तो क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर हम चेंज कर लेंगे। तो मतलब आप फ्री हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से कलर चेंज करते रहिए और ये लुक देखिए बन के बहुत ही अच्छा लुक आ चुका है। तो ये हमने कवर कर लिया। अगर हमने यहाँ आपको दिखाया तो पहला जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, यानी पहला इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था, वो खत्म कर लिया गया है और करके दिया है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए और यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्यूशन निकालते हैं तो स्प्रेडशीट में एंटर द फॉलोइंग डाटा, यानी ये जो डिटेल दिया है यही डिटेल आपको लेके चलना है और उसके बाद क्वेश्चन नीचे पूछा गया इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें निकालना होगा। तो हम एक काम करते हैं कि इसका भी सोल्यूशन हम आपको बता ही देते हैं। तो पहले इसको हम कॉपी करके लेके चलते हैं अपनी शीट की तरफ ताकि वहीं इसका सोल्यूशन हम दे दें। दूसरी शीट ले लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये शीट आ चुकी है, स्प्रेडशीट में इस डिटेल को हमें लाना था और हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ए का सोल्यूशन हो गया कि शीट हमने बना लिया है। अब क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखिए कह रहा है कैलकुलेट डी ए, यानी डी ए यहाँ निकालना है एज 80% ऑफ बेसिक पे एंड एच आर ए 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डी ए। अब देखो करना क्या है, डी ए पहले हम निकालते हैं, डी ए कैलकुलेट करना है तो बराबर का निशान दीजिए। बेसिक पे हमारा 8500 है और यहाँ पे देखिए बेसिक पे का जो है कितना परसेंट निकालना है, जो डी ए निकालना है वो 80%, तो इंटू कर दीजिए 80, परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए, परसेंटेज निकालना, एंटर करेंगे तो देखिए ये डी ए आ चुका है, बेसिक पे निकल चुका है। बेसिक पे पे हमने डी ए 80% कैलकुलेट कर लिया। एच आर ए हमें निकालना है, एच आर ए बेसिक जो सैलरी है उस पे 10% पे, बेसिक पे का 10% एच आर ए निकलेगा तो बराबर का निशान देंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटू कर देंगे, इंटू हम करा लेते हैं कितना 10%, 10% यानी परसेंटेज का यहाँ हम सिंबल दे देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, बेसिक पे प्लस डी ए यानी इसके बाद इसमें जोड़ा जाएगा क्या, जो डी ए आया है ये टोटल एच आर ए में कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो गया आपका 7650 रुपया। इसके बाद ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का जो बी नंबर क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। आगे बढ़ेंगे फाइंड आउट नेट सैलरी। अब नेट सैलरी हमें फाइंड करना है, नेट सैलरी हमें यहाँ मिलेगी। नेट सैलरी फाइंड आउट करने से पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस है और उसके बाद आगे का जो आ रहा है बेसिक पे प्लस पीएफ 5% ऑफ बेसिक पे, यानी दो चीजें हमें अभी निकालनी पड़ेगी। पहले तो ग्रॉस पे हम कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले इंश्योरेंस हम कैलकुलेट करा लेते हैं। इंश्योरेंस 10% निकालना है बेसिक सैलरी का, तो बेसिक सैलरी इंटू हम कर लेते हैं 10%, परसेंटेज का यहाँ हमने सिंबल लगा दिया, एंटर करा ये आ गया, और पीएफ 5% है ये भी बेसिक सैलरी का तो बराबर का निशान होगा, फिर पीएफ को सेलेक्ट करा जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने का 5% का, तो 5 लिखने के बाद परसेंटेज का सिंबल दे देना होगा। अब यहाँ देखिए जो ग्रॉस सैलरी होगी ये तीनों को जोड़ के हमें ग्रॉस सैलरी बनानी है, तो ऑटो सम पे क्लिक करा, ग्रॉस सैलरी है। देखो अब यहाँ होने क्या वाला है, जो नेट सैलरी निकाल ली है ना अभी अभी, यहाँ देखो कैलकुलेट भी करना है फाइंड आउट नेट सैलरी, तो अभी जो ग्रॉस सैलरी इसमें से कटौती होंगी, यानी इंश्योरेंस के पैसे कटेंगे और पीएफ के पैसे, तो नेट सैलरी बराबर होगा ग्रॉस पे माइनस का सिंबल दे दीजिए और यहाँ पे माइनस करेंगे इंश्योरेंस को और फिर से माइनस करेंगे हम पीएफ को, एंटर कर लेते हैं, ये रहा हमारे पास आंसर। अब एक काम करना है, पूरे को सेलेक्ट करके चूंकि सारा का सारा फॉर्मूले पे आया है तो ड्रैग कर दीजिए नीचे तक का, आ चुका है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ टोटल अमाउंट, तो टोटल नेट सैलरी का क्या करना है, पूरे को सेलेक्ट करके ऑटो सम पे क्लिक कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ हमने सोल्यूशन दे दिया। हाईएस्ट इम्प्लाई सैलरी वो सैलरी जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो उस इम्प्लाई का, तो हाईएस्ट इम्प्लाई सैलरी कितनी है तो बराबर का निशान देते हैं, मैक्स का फॉर्मूला लगेगा, ओपन ब्रैकेट होगा, इस नंबर को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को जैसे ही हम बंद करेंगे एंटर करेंगे, देखिए 61,200 यहाँ किसी की सैलरी है, देखिए यहाँ पे गुनीता देवी का 61,200 सैलरी है,
सेम क्वेश्चन पूछा है पर लोवेस्ट जस्ट ए अपोजिट। तो यहाँ पे बराबर का निशान, अगला क्वेश्चन देखे, लोवेस्ट एम्प्लॉय सैलरी तो बराबर का निशान, और यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे एम आई एन यानी मिनिमम ओपन ब्रैकेट करेंगे, नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे हमने हाईएस्ट को कैलकुलेट किया वैसे देखिए मिनिमम का आ गया। टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड यानी कितना इंश्योरेंस मिल चुका है, तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो बराबर का निशान सम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सीरीज में जोड़ना नहीं है, तो फिर इंश्योरेंस को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। क्वेश्चन एक बार हम क्लियर करा देते हैं आपका कि कंफर्म हुआ कि नहीं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन था, फाइंड आउट नेट सैलरी के बाद फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, यानी यहाँ हमने हाईएस्ट सैलरी कर दिया, लोवेस्ट सैलरी भी कर दिया, यानी डी नंबर क्वेश्चन का आंसर वो हो गया। अब ई वाले पे आ जाते हैं, कैलकुलेट द टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड फ्रॉम ऑल इम्प्लाई। तो ऑल इम्प्लाई का जो कलेक्टेड यानी आया हुआ इंश्योरेंस का अमाउंट है वो भी ऐसे, अगर मान लीजिए अगर पीएफ पूछा जाए तो वहां पे एक कॉलम और हम यहाँ ऐड कर देंगे और पीएफ का बना देंगे नीचे की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अप्लाई टू डेसिमल नोट, यहाँ पे द ऑल नंबर वैल्यू, जितने भी नंबर वैल्यू है इसमें दशमलव बिंदु में लिखना है, यानी डबल दशमलव बिंदु में सिलेक्शन करा, और यहाँ से हम दो बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए 00 के फॉर्म में आ जाता है। ऐसे ही इसे भी सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नंबर का ऑप्शन है, क्लिक करिएगा देखिए नंबर के फॉर्मेट में आ जाता है। तो ये दोनों तरीका है हमें डेसिमल प्लेसेस में लाने का। तो इंटरव्यू की अगर बात करें ना, तो देखिए अभी टोटल हमने दोनों इंटरव्यू का क्वेश्चन आपको समझाते समझाते हमने कंप्लीट करा लिया है लगभग 18 से 16 17 मिनट में। ये टोटल दोनों क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, और यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत छोटी बात है। अगर आप रेगुलर यूज करेंगे, हमारी वीडियो देखते रहेंगे, तो हम आपको बताते रहेंगे कि वो क्वेश्चन क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। आपको बताते चलें कि इंटरव्यू से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, हम लोग इंटरव्यू के डिपार्टमेंट ऑफिस के सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ सॉल्व कराने वाले हैं। तो अगर आप इच्छा रखते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, उसका सोल्यूशन क्या होता है, तो हमारे चैनल पे आइए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना ना भूले, और डेली अपडेट के लिए, रेगुलर अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।